कराची में खबर आवाज से शिरक अंदाजी कराची के इलाके सरजानी टाउन में दहशत गर्दन हथा कतल कल मुख्तियारकार एजाज सांडू जो कतल केस दाखिल कह पो है। पुलिस तर्जुमान मौसम मुख्तियारकार यार मोहम्मद की मदियत में वाक़े जो केस दाखिल कह पो मदई केस में जानायो तो जवाबदार नबी बख्श बख्त शेर बिलावल शेर अली साथन पारा फायरिंग कई वही। मदई जानायो तो फायरिंग दौरान मुख्तियारकार मंगो पीर एजाज सांडू जख्मी होने सबब अस्पताल में फौत हो। बिल्कुल नासिन खबर अवे दिन पा कराची के इलाके सजाणी टाउन में दहशत गर्दन हथा कतल कल मुख्तियारकार एजाज चांडू जो कतल केस दाखिल किया है। इन हवाले से कराची का धरती टीवी न्यूज के रिपोर्टर इसहाक सर के लाइन मौजूद है। जी इसहाक अपडेट कजो कड़ा तफसील है। जी बिल्कुल फजा दिसो सरजानी टाउन में मुख्तियारकार एजाज चांडे के कतल वो मामलो है जिनमें मुख्तियारकार यार मोहम्मद की मदद में जो वाके जो केस है वो दाखिल कर रो है। जैसे केस में कतल इकदाम कतल और दहशतगर्द का जे कलम उ शामिल क्या वह जैसे तो उनको चवण है तो मैं मुझा बया ऑफिसर गोठ पौता से असा गड एंटी एंक्रोचमेंट की फोर्स इलाके की पुलिस भी मौजूद हुई। एंटी एंक्रोचमेंट फोर्स जी ही कार्रवाई शुरू कई तो अचानक जो है उतने झेड़ो थी पो जैमें लैंड ग्रेबर अमा नबी बख्श बिकत शेर बिलावल अली शेर समेत जे बया लैंड ग्रेबर हुआ वे मौजूद हुआ जैमें नदीम इम्तियाज सा गड जे 40 के वेझो मानू हुआ वे उतने मौजूद हुआ जैमें जी ही कार्रवाई शुरू थी तो जो उतने पथराव उन्होंने शुरू कर दिनों जैमें केस में नामजद जे जवाबदार उन्हें पारा जो असाने मथा फायरिंग कर दिनी जैसे फायरिंग के नतीजे में मुख्तियारकार मंगो पीर एजाज चंड जख्मी थी पे तंखा जो फारूक बया मानू हुआ वे भी जख्मी थी पाया जैमें मानू पारा जख्मी के जो एम्बुलेंस में विझी कर अस्पताल मुंतकिल कर जैमें यार मोहम्मद चवण है तो मैं गाड़ी में जो जख्मी हालत में अस्पताल वयम तो खबर पी तो जे मानू हुआ उन्हें पारा असान गाड़ियों के भी जो नुकसान पहुंचा उनसा गदो गद गोली लगने सबब जो मुख्तियारकार एजाज चांडे वो एक कलाक ताई तड़पंद रो तंखा उतने जो गोली लगने सबब मार तंखा जे नामजद जवाबदार उन्हें खिलाफ जो उन्हें गड जे मानू हुआ जिन्हें असान मथा फायरिंग कर दिनी उन्हें खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आंदी वे यो जो केस अज सुबह सवेरे यार मोहम्मद की फरियाद से दाखिल कर जो पा भी जख्मी थे उन वाके में उन हवाले से उन यो जिक्र किया है तो जे केस में नामजद जवाबदार उन्हें साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जल्द अमल में आंदी वे। जी ठीक है साहब।